ऐसा नहीं है, स्नेक बाइट नहीं करता, हैंडलिंग करने का तरीका होता है। नमस्कार दोस्तों, सांपों की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। उसी सिलसिले में, उसी अंदाज में स्नेक रेस्क्यू स्क्वाड आप लोगों के सामने हाजिर है और साथ में मैं हूँ अर्पण मजुमदार। दोस्तों, एरिया है वेस्ट बंगाल, हुगली डिस्ट्रिक्ट, बोलागढ़, खत्री नगर, और बाजू में एक राइस मिल है और उसके आगे छोटा सा एक रूम है, गोडाउन है, उसके अंदर ही एक स्नेक दिखा गया है। तो चलिए जहाँ पे स्नेक है और उसको रेस्क्यू करके आप लोगों को दिखाते हैं। तो दोस्तों देखिए, टायरों के बीच एक इंडियन रेड स्नेक दिख रहा है। देखिए स्नेक को देखते ही लोग डर जाते हैं, लेकिन इस जगह का लोग अच्छा है, हमें फ़ोन करके सूचना दिया है। तो चलिए इसको रेस्क्यू करते हैं और बाहर लेके आप लोगों को दिखाते हैं। तो दोस्तों चलिए इसको कैच करते हैं। दोस्तों देखिए, टायर के बीच से निकल के भागने की कोशिश कर रहे हैं। गाय खूब गंदो। छावटा ही नहीं जाए। तो दोस्तों एक इंडियन रेड स्नेक है और ये बिल्कुल नॉन वेनमस स्नेक है। ये हमारे घर के आसपास पड़ोस में ज़्यादा दिखाई देता है। ज़्यादातर ये मेंढक को और स्पेशली जो चूहा होता है, चूहा को शिकार करके ये अपना भोजन बनाते हैं। तो घर के आसपास काफ़ी दिखाई देता है, नॉन वेनमस है, लेकिन इतना बड़ा होने के कारण लोग देखते ही डर जाता है तो, और इसको मार देता है। लेकिन इसको मारना नहीं बिल्कुल, क्योंकि हमारा जो इकोसिस्टम है सबसे ज़्यादा मेंटेन करते हैं, क्योंकि आसपास जितना चूहा है, मेंढक है, ये भोजन करके ही हमारा इकोसिस्टम को मेंटेन करता है। और ये बहुत ही जल्दी स्किन निकालने वाला है इसका। देखिए इसका आँखों में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, मतलब ये स्किन निकालने वाला है। इसका बॉडी देख के भी देखिए, और ऐसा नहीं है स्नेक बाइट नहीं करता, हैंडलिंग करने का तरीका होता है, ठीक है। तो इस वजह से स्नेक बाइट नहीं करता और काफ़ी टाइम से इस काम को करते करते हम लोग एक्सपर्ट बन चुका है। ऐसा नहीं है कि बाइट नहीं हो सकता, बाइट कभी भी हो सकता है, इससे ही बच के इसको बचाना ही हमारा मकसद है, काम है। तो ये बिल्कुल नॉन वेनमस स्नेक है और बांग्लाई इटा के बोला है दारास साप। ये साप खूब ही बड़ो, ये सापर मध्ये कोनो रकम विष नहीं, तो भय पावार तेमन कोनो ब्यापार नहीं। जरा साप चेनें ना अति अवश्य साप चिने नेबें। साप चिनले आपनादेर कोनो समय स्नेक बाइट होले अपनारा बुझते पारबेन वेनमस ना नॉन वेनमस, और से ही अनुयायी चिकित्सार जन्य प्रस्तुति नीते पारबेन। और कखनो कोनो साप कामड़ाले सोजा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाबेन, जेखाने एंटीवेनम सिरम अवेलेबल थाके। तो बेसि देरी करब ना, आमादेर आरेकटा रेस्क्यू आछे सोमराते। तो दोस्तों इसको पैक कर लेते और मिलेंगे उनसे जिन्होंने हमें फ़ोन किया था, उसके बाद और एक रेस्क्यू पे जाएंगे। बैगटा दाओ, ওই কালো রঙের একটা ভেতরে ব্যাগ আছে দেখো। আরে সোনাজি, নাভিতে কাটা থাকে নাকি? কিসে নাভিতে কাটা থাকে নাকি? কোন নাভিটাই দেখেন, আসুন আমার কাছে আসুন। সাপ কোনদিন ছুঁয়েছেন? না না ছুঁলে বুঝতে পারবেন না, ছুঁয়ে দেখুন। হ্যাঁ তাহলে তাহলে বুঝতে পারবেন না। তাহলে সোনাজি, না কামড় দেয় না, নাভিতে কাটা মারে তাই। আমার আমার তো সবকিছুই আছে শরীরে, আমি বেঁচে আছি, কিন্তু আমাকে কোথাও কামড়াচ্ছে না, কিছু হচ্ছেও না।
কামড়াচ্ছে না না কারণ হচ্ছে ও আমার কাছে কমফোর্টেবল আছে, ওর ব্লাড প্রেসার আমার ব্লাড প্রেসার ম্যাচ করছে। কবে থেকে চালু করেছিস? আমি 9 বছর ধরে রেস্কিউ করি, এর সম্বন্ধে পড়াশোনা করি। আমি হচ্ছি মাউন্টেনার, পর্বতারোহী, এখানে আমি থাকি না। দাও এই ব্যাগটা দাও। তো দোস্ত ইসকো প্যাক কর লেতে, ইসকো দুসরা ফরেস্ট মে ফির সে রিলিজ কর দিয়া জায়েগা। যা দিয়া কিচ্ছু বলো না। 93 নম্বরের নাম্বার দে। 93 নম্বরের। এই তো। হ্যাঁ। আমাদের বাড়িতে সাপের গাদা আছে, বুঝতে পারলেন? কিন্তু কিন্তু ব্যাপারটা সেটা না, সাপের সম্বন্ধে জানাটা বড় ব্যাপার। ওইটাই, যেমন হচ্ছে একবার একটা বলাগড় বাস স্ট্যান্ডে ঘর পরিষ্কার হচ্ছে, অনেকদিন ধরে ছিল না, তো দুটো কেউটে সাপ ছিল ওখানে, তো বাস স্ট্যান্ডের লিঙ্ক। তোর বাবা বলছে দারাস সাপ, ছেলেগুলো তো একটু একটু ভিডিও দেখে মানে না। আমার ফোন নম্বর ছিল, সঙ্গে সঙ্গে আমায় ফোন করেছে, গিয়ে দেখি ওই ঘরের মধ্যে বাচ্চা ফাচ্চা সব বড় হয়ে মানে বাচ্চাগুলো চলে গেছে। হ্যাঁ, আর দুটো বড় বড় তোমার কেউটে ধরার পরও ফোনা তুলেছে, তখন মানলো, তার আগে অবধিও বলছে দারাস সাপ। তো দোস্ত দাদা নে হামে ফোন করকে সূচনা দিয়া থা, দাদা সে নাম আর অ্যাড্রেস পুছ লেতে। আপকা নাম বতাই? রতন বিশ্বাস। আর ইস এরিয়া কা নাম বতাই? বলাগড় হুগলি। ওকে, আর আপকো মেরা নম্বর কাহাঁ সে মিলা? ও আমাকে নম্বর দিয়েছে আমাদের বলাগড় বাজারে চাউলের দোকান ফণিগোপাল ভৌমিক। আচ্ছা, উনকো ভি বহুত বহুত ধন্যবাদ, দাদাকো ভি বহুত বহুত ধন্যবাদ। আর দোস্ত আপ সব ভি এসেই ফোন করকে সূচনা দিজিয়ে, আর প্লিজ লাইক করকে কমেন্ট করকে বতাইয়ে ভিডিও কেসা লাগ রহা হে। আর জিনোনে আবি তক চ্যানেল কো সাবস্ক্রাইব নেই কিয়া হে, প্লিজ চ্যানেল কো সাবস্ক্রাইব কর দিজিয়ে, আর সাইড পে জো বেল আইকন হে উসকো প্রেস করকে অল কর দিজিয়ে, তাকে স্নেক ওয়াইল্ড লাইফ মে জিতনে অ্যানিমেলস হে উসকা রেস্কিউ রিলিজ ইনফরমেশন কা ভিডিও আপলোড হতেই সবসে পহলা নোটিফিকেশন আপকে পাস আ যায়। তো মিলতে নেক্সট নেক্সট রেস্কিউ অপারেশন মে। জয় হিন্দ, জয় ভারত, জয় বাংলা।